दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उन स्टूडेंट के लिए जिनका क्लास टेंथ का मैथ्स का पेपर लीक हो गया था। सीबीएसई ने अनाउंसमेंट किए थे कि जो क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था वो 25 अप्रैल को होगा, बट सीबीएसई ने ये नहीं बताया था कि मैथ्स का पेपर कब होगा। सीबीएसई ने कहा था कि ये होल्ड पे रखा है, इसकी डेट जो है वो बाद में क्लियर करेंगी। तो अभी जो है उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है। मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों का भी क्लास टेंथ का मैथ्स का पेपर लीक हुआ था उन सभी के एग्जाम नहीं होने वाले। वापस से सुन लीजिए, जिन लोगों का भी क्लास टेंथ का मैथ्स का पेपर लीक हुआ था उन लोगों के एग्जाम नहीं होंगे। अब उन लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब आप बिल्कुल फ्री है। ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से कि जिन लोगों का पेपर लीक हुआ था उनके एग्जामिनेशन करने की वापस ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेकिंग के दौरान सीबीएसई को कोई भी ऐसे ट्रेंड या ऐसे ट्रेसेस नहीं दिखे थे जिससे उनको री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की कोई जरूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने जो है री एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को वादा किया था कि हम इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो आप लोगों को देते रहेंगे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आने वाले समय में और भी वीडियोस मिलते रहेंगे आपको इस चैनल पे, एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे अपडेट्स वीडियो के आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।